जैनों की आबादी इंडिया में करीब 40 से 50 लाख के बीच में है। जैन समुदाय हालांकि इंडिया की कुल आबादी की तुलना में संख्या में बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया के इनकम टैक्स रेवेन्यू में इसका 24% योगदान है और GDP का 1/4 हिस्सा भी जैन समुदाय के योगदान से आता है। जैन कम्युनिटी की ओवरऑल साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट है 94.1% और महिलाओं की लिटरेसी रेट भी है 90 के पार 90.6% पे। दोनों ही इंडिया के नेशनल एवरेज से कई ऊपर हैं। जैनों में कई आहार प्रतिबंधित हैं। सख्त शाकाहारी होने का पालन करने के अलावा कई सब्जियां, शहद, मशरूम, दारू, सिगरेट आदि का सेवन बहुत जैन नहीं करते। कई भारतीय व्यंजन, खासकर गुजराती व्यंजन, जैनिज्म से प्रभावित हुए हैं। कुछ जैन स्वेच्छा से मृत्यु तक उपवास करते हैं, जिसे संथारा कहा जाता है, और ये जैन एक्सट्रीमिज्म का मजबूत उदाहरण है। दूसरे जीवों को दुख दर्द ना हो इसलिए वो अपना अस्तित्व छोड़ देते हैं। ये प्रैक्टिस इंडिया में इलीगल नहीं है, लेकिन इसको लेके कई विवाद जरूर हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की फिलॉसफी के पीछे श्रीमद् राजचंद्र का मुख्य प्रभाव था, जो एक जैन थे। जैन धर्म में नवकार मंत्र सबसे आम और मूल प्रार्थना है। दिगंबर और श्वेतांबर ये जैनों के मुख्य संप्रदाय हैं। हालांकि और भी कई छोटे संप्रदाय उभरे हैं। जैन समुदाय के मुख्य त्योहार होते हैं पर्युषण, दशलक्षण, महावीर जयंती और दिवाली। जैन धर्म के अनुसार मुक्ति पाने के लिए 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। इन्हें पंच महाव्रत भी कहते हैं। पहला अहिंसा, मतलब किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ित ना करना। दूसरा सत्य। तीसरा अस्तेय, मतलब चोरी ना करना। चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह, यानी कि जो अति आवश्यक चीजें हैं उसे छोड़कर और कुछ ग्रहण न करना। दोस्तों ये रहा एक बोनस फैक्ट। बेल्जियम में करीब 1500 जैन रहते हैं। ये बेल्जियन इंडियन जैन्स दुनिया के रफ डायमंड ट्रेड का 2/3 हिस्सा कंट्रोल करते हैं। इंडिया में जैनों की हर फील्ड में बोलबाला रही है, जैसे कि गौतम अदाणी, अदाणी ग्रुप के स्थापक और चेयरमैन, संजय लीला भंसाली, बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में से एक, विक्रम साराभाई, फेमस साइंटिस्ट और इन्हें फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के स्थापक, हीरा विजय जी, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर को जैन फिलॉसफी प्रस्तुत की थी और अकबर को शाकाहारी में बदलने में इनका मुख्य प्रभाव रहा, श्रीमद् राजचंद्र जी, गांधी जी के गुरु। जैन एक धर्म है जो जात पात पर भेदभाव नहीं करता। जैनिज्म के अनुसार सभी आत्माएं एक समान हैं और हर एक में मोक्ष प्राप्त करने की उतनी ही ताकत है। अपने सिद्धांतों पर कायम रहने के साथ साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, ये इनसे सीखने जैसा है। दुनिया के सारे जैनों को टेंस ऑफ इंडिया का सलाम। अंत में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो सभी को टेंस ऑफ इंडिया की ओर से मन, वचन और काया से मिच्छामी दुक्कड़म।